जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मानव के जिज्ञासु स्वभाव ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर मशीन भी हमारी तरह सोचने लगे तो दुनिया की सबसे जटिल चीज क्या है? उत्तर है हमारा दिमाग। दिमाग के बिना क्या अस्तित्व है हमारा? लेकिन क्या हो जब यही दिमाग मशीन के पास भी हो, मशीन के पास भी एक ऐसा दिमाग हो जो देख सके, सुन सके, बोल सके, तर्क कर सके और जो साथ ही इंटेलिजेंट भी हो। और अब यही सब मुमकिन कर दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंस डिवाइस मशीन की रचना की जाए जो हम इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और हमारी ही तरह सोच सके। इंसानों जैसी दिखने वाली, इंसानों की तरह सोचने वाली और इंसानों की तरह फैसला लेने वाली मशीनें पहले सिर्फ फिल्मों का हिस्सा होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मशीनें अब हमारे जीवन का सत्य बन चुकी हैं। इसके बिना तो जीवन की कल्पना और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब ये मशीनें भविष्य में इंसान की सर्वश्रेष्ठ रचना बन जाएगी। अपनी इस रचना को हम मनुष्यों ने इतना काबिल बना दिया है कि ये मशीनें दिन ब दिन कुछ न कुछ नया सीख रही हैं। रोज इंसानों की बराबरी करने के लिए कदम दर कदम अग्रसर है। आगे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के दोस्त बनेगी या दुश्मन, ये कहना तो मुश्किल है। इसी कारण दुनिया के दो बुद्धिजीवी दिग्गज दो भागों में बट गए हैं। एक तरफ फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पैरवी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स, एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य के लिए खतरा मानते हैं। वैसे अगर इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि उन्नत प्रजाति अपने लक्ष्यों और स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने से कमजोर प्रजाति पर हमेशा ही हावी रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये मशीनें भी इंसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, लेकिन मशीनें इंसानों को इतना कमजोर क्यों समझेंगी? और जो मशीनें हम इंसानों ने ही बनाई हैं, आखिर वो कैसे हमारे आगे अगेंस्ट काम करेगी? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा विकसित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर में इंसानों के बीच होड़ लगी हुई है। मनुष्य ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिनमें खुद सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता हो। ये मशीनें हालात के अनुरूप ऐसा फैसला ले सके जैसे आज इंसान लेता है। इंसान की सोच थी कि कोई ऐसी मशीन हो जो चुटकी बजाते ही हर काम कर दे। मशीन इंसानों की तरह सोचे और सारे काम चुटकियों में करे, ये आज का विचार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संकल्पना बहुत पुरानी है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। इसके अलावा ग्रीक मिथकों में मैकेनिकल मैन की अवधारणा से संबंधित कहानियां मिलती है। ग्रीक वैज्ञानिक हेरोन ने पहली सदी में कई मशीनें बनाई। विश्व का पहला यूनिमैट नाम का रोबोट 1954 में बनाया गया था। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर वन, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैरो एआई। नंबर टू, स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीएआई। नंबर थ्री, सिंगुलरली एआई। सबसे पहले बात करते हैं वीक एआई या नैरो एआई। इसके अंतर्गत वही मशीनें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं जिनके लिए इसे डिजाइन किया गया होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ वही काम कर सकते हैं जितना वर्क प्रोग्राम इनके अंदर सेट किया जाता है। एक मशहूर वैज्ञानिक ने एक ऐसे प्रोग्राम का निर्माण किया जो इंटरनेट पर मौजूद इमेजेस का विश्लेषण कर उनके डेटा की सहायता से किसी भी नए इमेजेस को समझ सकता था। इससे पहले माना जाता था कि हमारे कंप्यूटर देख नहीं सकते हैं, लेकिन इमेज नेट ने सबको चौंका दिया। दरअसल इस मशीन की विजन की कोई लिमिट एक्शन नहीं है, ये दीवारों के पार भी देख सकती है। इसीलिए इसका काफी हद तक मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग एआई या जीएआई। इस समय की मशीनें बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके खुद फैसला ले सकती हैं। आज के युग का जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमेनोइड रोबोट सोफिया है। सोफिया नामक रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया था। 25 अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इसे देश के एक नागरिक के रूप में अपनी पूर्ण नागरिकता दी।
इसमें इंसानों की तरह ही सोचने और सीखने की शक्ति है और ये सेल्फ डिसीजन लेती है। उदाहरण के लिए सोफिया से जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या भविष्य में आप कभी इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, तब उसने जवाब दिया, यदि आप हमारे लिए अच्छे रहेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो क्या ये हम मानवों के लिए एक रोबोट की चेतावनी थी? इस बात से क्या समझा जाए कि क्या ये रोबोट्स भविष्य में अपने अधिकारों के लिए विरोध भी कर सकते हैं? इसके लिए मानवों का चिंतित होना लाजमी है। अगस्त 2017 में फेसबुक चैट बॉक्स के जरिए दो रोबोट्स एलिस और बॉब की आपस में बातचीत करवाई गई, जिससे ये रोबोट्स कॉम्प्लिकेटेड और कम्युनिकेशंस के साथ साथ लॉजिकल स्किल्स सीख सके। हालांकि इन रोबोट्स को अंग्रेजी भाषा में ही बात करना था। सभी लोग तब चौंक गए जब ये दोनों रोबोट्स ने अपने अलग अलग भाषा ही बना ली, जो वैज्ञानिकों के समझ से बाहर थी। इसीलिए फेसबुक ने तुरंत इस प्रोजेक्ट को बीच में बंद कर दिया। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोबोट्स किस भाषा में बात कर रहे हैं और किस बात की योजना बना रहे हैं। अब बात करते हैं सिंगुलरली स्टेज की। इस आखिरी स्टेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग से भी ज्यादा तेज काम करने लगेगा। इंसान ऐसी सूरत में रोबोट से सामना नहीं कर पाएंगे। तब इंसान अपने वर्चस्व को बचाने के लिए इन मशीन से मुकाबला करेगा, जिसमें हम मनुष्यों की हार तय है। क्योंकि हो सकता है कि तब ये रोबोट इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान हो चुके हों कि वो अपने जैसे और रोबोट तैयार कर ले। इसके अलावा ये मशीनें इंसान के रोजमर्रा के काम भी सीख रही हैं, जिससे इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी अपने चरम पर होगी। इंसानों की तरह दिखने और बोलने वाले इन मशीनों के आगे जल्द ही हम इंसान खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे, क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान और काबिलियत से परिपूर्ण होंगे, जो 100% क्लियरिटी के साथ अपना रिजल्ट देंगे। अगर आपको लगता है कि ये सब होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा तो आप गलत हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो दिनों दिन विकसित होती जा रही है। चीन की एक सिटी होनजाउ 90 लाख लोगों का शहर है। इसमें अलीबाबा और फॉक्सकॉन सिटी ब्रेन नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। धीरे धीरे इसके बाद ये शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होने लगा। इससे शहर के हर निवासी को ट्रैक किया जाने लगा। नागरिकों का पूरा लेखा जोखा डेटाबेस में जोड़ दिया गया। अब यहाँ के सिस्टम भी लोगों के संगठन या कंपनी के एम्प्लॉयर्स के मोहताज नहीं, बल्कि सारा काम सॉफ्टवेयर ने AI के जरिए संभाला हुआ है। जाहिर है, इससे लोग बंदिशों में जकड़े हुए हैं और साथ ही बेरोजगार भी हुए हैं। दक्षिण कोरिया के एक टीवी चैनल ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलने वाली न्यूज एंकर को अपने दर्शकों के सामने पेश किया है। इस न्यूज एंकर को कोरिया न्यूज चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन कंपनी मनी ब्रेन के साथ मिलकर बनाया है। हमारे देश भारत ने भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2021 के अपने बहुप्रत्याशित कार्यक्रम गगनयान पर मानव रहित कार्यक्रम में चालक दल के सदस्यों के स्थान पर हाफ ह्यूमेनोइड रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा, जो कि इसरो द्वारा विकसित महिला की तरह दिखने वाला अंतरिक्ष यान ह्यूमेनोइड रोबोट है। इसे सबसे पहले 22 जनवरी 2020 को बंगलुरु के ह्यूमन स्पेस एंड फ्लाइट एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में एक्सपोज किया गया। रोबोट ने परिचय में कहा, सभी को नमस्कार, मैं व्योम मित्र हूँ और मुझे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। मैं पूरे यान के मानदंडों पर पूरी निगरानी रखूंगी। 11 मई 1997 में IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर, जो कि नैरो पर्पस के लिए कंप्यूटराइज्ड किया गया था, उस सुपर कंप्यूटर ने उस समय के शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को उसी के खेल में हराकर सबको चौंका दिया। ये सब तब की बात है जब ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती चरण था। अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्मी का हिस्सा बनाने की भी पैरवी की जा रही है। इनके सेना में जाने से इंसानों की जान का खतरा नहीं रहेगा। बिना थके पूरी ताकत से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इन रोबोट्स को हैक कर लिया तो ये अपने ही देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि तब ये हो सकता है कि ये अपने ही देश के खिलाफ मैदान में उतर आए। आगे आने वाले समय में इन रोबोट्स का इस्तेमाल महामारी से बचाव के लिए जासूसी, फायर फाइटिंग, वॉर, डिजास्टर मैनेजमेंट और देश की रक्षा के लिए सीमा पर किया जा सकता है। भले ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छाई के लिए करें, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें जो कंट्रोल के ऊपर जा सकती हैं, उनकी चाबी हमें हमारे पास ही रखनी चाहिए, ताकि समय आने पर हम उनका इस्तेमाल बिना किसी खतरे के कर सकें।
इन मशीनों के निर्णय लेने की क्षमता पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि खुद की अकल मंदी से काम लेने वाले ये रोबोट तब किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिकों द्वारा एक चेक एक्स नाम का एक एल्गोरिदम तैयार किया गया जो इंसानों के एक्सरे को देखकर समझकर अपनी डेटाबेस में मौजूद जानकारी के आधार पर पेशेंट की बीमारी का पता लगा सकता है। इसी काम को करने के लिए अभी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। चेक एक्स नाम का ये एल्गोरिदम किसी रेडियोलॉजिस्ट से कई ज्यादा सटीक जानकारी बीमारी के बारे में दे रहा है। इससे ये बात साफ है कि इससे इंसानों का महत्व घटने लगेगा। चेंज शाह इंटेलिजेंस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो किसी कार्य ट्रक को बिना मनुष्यों की मदद के चला सकती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विकसित है कि ये गाड़ियों और इंसानों के साथ साथ ट्रैफिक कंडीशन को भी खुद ब खुद समझ सकती है। ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करेंगी और इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। ये अपनी समझदारी से अपने सभी फैसले लेने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखकर एलन मस्क काफी चिंतित है। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरा लिंक दुनिया के सबसे फ्रेंडली और नुकसान रहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स बनाने पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट न्यूरोलिन का लक्ष्य दिमाग में एक ऐसा चिप इम्प्लांट करना है जिसकी मदद से ह्यूमन एवोल्यूशन के स्लो प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। एलन मस्क ने बताया कि उनकी कंपनी न्यूरोलिंक एक ऐसा इंटरफेस विकसित करने पर काम कर रही है जिससे दिमाग सीधे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। उन्होंने कहा कि ये पहला प्रोटोटाइप अगले साल के अंत तक इंसान में इम्प्लांट किया जा सकता है। जानवरों पर इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। एक बंदर अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर को नियंत्रित करने में सफल भी हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए ह्यूमन ब्रेन को एक कंप्यूटर में जोड़ दिया जाएगा, यानी हर इंसान के दिमाग में एक कंप्यूटर मौजूद होगा, लेकिन इस टेक्निक को बनाने में अभी काफी समय लगेगा। तब तक हम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी प्रभाव पड़ चुका होगा। तब भविष्य में लगभग 60% जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होंगी। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे काम मशीन ही कर लेंगे तो इंसान क्या करेंगे। जवाब में जानकार कहते हैं कि इसकी मरम्मत मैन्युफैक्चर एंड सेल का काम तो मनुष्य ही करेंगे। ऐसे में जो इंसान खुद को समय के अनुरूप बदल नहीं पाएगा वो पिछड़ जाएगा, यानी समय के साथ बाजार में टिकना है तो हम इंसानों को लॉजिक और टेक्निक से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। जो इन बदलावों के साथ नहीं बदलेंगे वो इन मशीनों से मात खाकर बेरोजगार हो जाएंगे। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह अभी इंसानों पर टिकी है, यानी जितना ज्ञान मनुष्य देगा वो उतना ही काम कर पाएंगे। बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे दिग्गज वर्षों पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से आगाह कर चुके हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग भी जो ये दावा करते हैं कि ये मशीनें मानव मस्तिष्क का सामना नहीं कर सकती। आपका इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहना है दोस्तों? इनसे हम मानवों को फायदा होगा या आगे चलकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे, इसके बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।